न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद सवालों के घेरे में कप्तान रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर फैंस ने किया ट्रोल। रोहित के बचाव में उतरे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन। शिखर धवन ने कहा, एक सीरीज की हार से कप्तान को विलन मत बनाओ। रोहित शर्मा, टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी, भारत का नाम कई बार रोशन किया। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए मिला नया कोच। एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण को मिलेगी कोच की जिम्मेदारी। गौतम गंभीर नहीं जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दौरे पर बतौर हेड कोच टीम के साथ जाएंगे लक्ष्मण। साईराज बहुतुले, ऋषिकेश कानितकर और सुभादीप घोष होंगे कोचिंग टीम का हिस्सा। गंभीर करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को मिला दिनेश कार्तिक की सलाह। पूर्व क्रिकेटर बोले, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से होगा विराट के खेल में सुधार। विराट के खराब प्रदर्शन से दिनेश कार्तिक परेशान। कहा, पिछले 4-5 पारियों में विराट का प्रदर्शन खराब। फॉर्म में लौटने के लिए तलाशना होगा रास्ता। डोमेस्टिक क्रिकेट से बन सकती है बात। विराट कोहली के समर्थन में उतरे बीसीसीआई के पूर्व चीफ सिलेक्टर सुनील जोशी। बोले, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जोरदार कमबैक करेंगे विराट। संदीप जोशी बोले, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दमदार तरीके से शुरुआत करेंगे विराट कोहली। बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मौकों पर हमेशा चलता है विराट का बल्ला। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आया भूचाल। चीफ कोच गैरी कर्स्टन का इस्तीफा। 6 महीने तक गैरी कर्स्टन ने निभाया पाकिस्तान टीम का साथ। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे दौरे पर जेसन गिलेस्पी होंगे पाकिस्तान के हेड कोच। लिमिटेड ओवरों के फॉर्मेट के लिए पीसीबी ने किया नियुक्त। टीम इंडिया में शामिल किए गए हर्षित राणा का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा, भारतीय टीम में चुने जाने का था आभास। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आईपीएल से मिली हर्षित राणा को बड़ी पहचान। 17वें सीजन में 13 मैचों में चटकाए थे 19 विकेट। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धमाल मचाने के लिए तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम में कप्तानी को लेकर घमासान। नजमुल हुसैन शांतो छोड़ सकते हैं कप्तानी। ताजुल इस्लाम बन सकते हैं नए कप्तान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए नजमुल हुसैन शांतो। 29 अक्टूबर को अफ्रीका के खिलाफ चटोग्राम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। रणजी ट्रॉफी में एलीट राउंड के मुकाबले जारी। मध्य प्रदेश ने हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में बनाए 308 रन। लक्ष्य दलाल की शतक पारी। हिमांशु राणा, धीरू सिंह और हर्षल पटेल ने खेली अर्धशतक पारी। हर्षल पटेल ने 72 रन बनाने के साथ 2 विकेट भी झटके। रणजी ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश का दमदार प्रदर्शन। यूपी ने 9 विकेट के नुकसान पर 556 रन पर घोषित की पारी। माधव कौशिक का शतक, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और सौरभ कुमार की हाफ सेंचुरी। अनमोल सिंह के अर्धशतक के बावजूद पंजाब की पहली पारी 210 रनों पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर यूपी ने बनाई 346 रन की बढ़त। पंजाब पर मंडराया हार का खतरा। झारखंड की सलीमा टेटे को मिला महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की कमान। 18 सदस्य टीम की संभालेंगे कमान। नवनीत कौर को टीम का उपकप्तान बनाया। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से शुरू होगा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड समेत 5 दूसरी टीमें लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा।